नया बजट जो है ना गरीबों के लिए, हम जातों के लिए, ताजरों के लिए, ये बेहतरी के लिए हो, कुछ टैक्सेस वगैरह में छूट मिले। मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे कि महंगाई कम हो, 5 साल पूरे करने दे, उसके बाद देखेंगे वहाँ को कोई पसंद आए, उसने किया कुछ तो ठीक है, वहाँ उसको लाएगी, नहीं तो छुट्टी उसकी भी को नहीं आ जाएगा। महंगाई की कमी नहीं हो सकती जिन्ना तक कोई बंदा बिच सही मसला तो ना, किस ना कमी हो सकती है, रोज रोज नवी से नवी जड़ी है ना वो तजवीज आ जाती, कमी किस ना होगी। मिल के बेहतरी कौन सोच सकता है, क्या लगता है? यारे आलू सोचया ही कोई अच्छा काम करेगा, अरे सारे ना दलील आ गई हूँ, वही है जारी चीनी 55 रुपये जलो दें दे। सपोर्ट करा दे, ये चोर डाकू हम पर मुसलत किए हुए हैं अवाम ने, अल्लाह का अजाब है, ये चोर डाकू है सारे, सब चोर डाकू है, इमरान खान भी, हुकूमत वाले भी, हम पागल है जो इनको वोट देते हैं, क्यों वोट देते हैं हम इनको, अपने अपने घर का चूल्हा खुद जलाए आप। असि जुम्मे की छुट्टी करने हैं, उनका कहते हफ्ता तो आ रही छुट्टी करो, असि किस हफ्ते 3 दिन काम करिए। महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, इससे तो कमी की उम्मीद ही कोई नहीं है, सब चोर डाकू रले हुए हैं, मिक्स है सारे कुछ, मिक्स है, जैसे अचार मिक्स होता है ना नेशनल का, वैसे ये सारे मिक्स हुए हैं। किसान भाइयों के लिए बिमिटको प्राइवेट लिमिटेड एग्रो सर्विसेज डस्का महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा कंपनी की मुनफरिद पेशकश। यहाँ बजट आ रहा है, उसमें कोई उम्मीद है आपको इमरान खान से, क्या महंगाई में कमी हो सकती है या बढ़ी महंगाई बढ़ती जाएगी? मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे कि महंगाई कम हो, तो ये कोशिश कामयाब हो सकती है? इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो कामयाब हो सकती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसा तो हुकूमत ने बहुत दफा कहा है लेकिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है। नहीं, ये जो माफिया था ना वो कर रहे हैं सारा सिस्टम, और उम्मीद है इंशाल्लाह तर देखे, कोई भी गवर्नमेंट हो, जरदारी की हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान कोई भी हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि महंगाई हो, मेरे लोग मेरे अगेंस्ट हो, तो हर एक की कोशिश तो होती है, बाकी अल्लाह कामयाब करे, बेहतरी करे मुल्क के लिए, सबके लिए। इस हुकूमत से खुश हैं जी? हाँ, महंगाई नहीं बढ़ती जा रही, महंगाई का इशू तो है, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि महंगाई का इशू है, ये जितने भी माफिया हैं, पैसे वाले लोग हैं, ये सारे जो है ना वो नून लीग तो कहती है कि इमरान खान खुद ही माफिया के सरपरस्ती। इमरान खान ने 30 साल में क्या किया, या उसने नवाज शरीफ में क्या किया, जरदारी ने क्या किया, उनके दौर में भी महंगाई हुई है, ये तो आलमी सतह पे चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। लेकिन अवाम का कहना है कि नवाज शरीफ के दौर में वो खुश थे, कारोबार भी सही थे, अब कारोबार है। दो नंबर लोग कहते हैं, जो दो नंबर लोग हैं ना, दो नंबरियां करने वाले, वो कहते हैं। इमरान खान ने जो वादे किए थे उनमें से कितने पूरे हो? एक टाइम, कुछ टाइम लगता है, एकदम तो सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ जादू की छड़ी तो नहीं है ना, ये तो टाइम लगेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। कितना टाइम मजीद उम्मीद रख रही है? 5 साल पूरे करने दे, उसके बाद देखेगा वहाँ को कोई पसंद आए, उसने किया कुछ तो ठीक है, वहाँ उसको लाएगी, नहीं तो छुट्टी उसकी भी, को नहीं आ जाएगा। नया बजट आ रहा है, आपको कोई उम्मीद है क्या महंगाई में कमी हो जाएगी या फिर महंगाई बढ़ती जाएगी? महंगाई की कमी नहीं हो सकती जिन्ना तक कोई बंदा बिच सही मसला तो ना, किस ना कमी हो सकती है, रोज रोज नवी से नवी जड़ी है ना वो तजवीज आ जाती, कमी किस ना होगी, लोग फिसलते पे ने, कोई चीज़ लभदी पी, चीनी लैन जा वो नहीं लभदी पी, अच्छे आपे लोग साढ़े कोला कहते सू फलाने चीज़ नहीं लगती पी, अभी कितों लिया के देनी, अच्छे दुकान पर बैठे तो सू कोई कहते फलाने चीज़ नहीं लगती, इतने कोई पानी नहीं मिलता पै, फला ट्यूबवैल खराब है, असं कहे पास जाइए पुत्र, सवेरे पानी लैन गया नलके तो पानी है नहीं, 9 बजे ना ही तो इतने ना उम्मीद क्यों आप इस हुकूमत से? आपको नाम ये जो पुत्र से अभी सादा पानी पीना होता है, वो भी नलकियाँ तो नहीं मिलता पे, अभी की करिए, ट्यूबवैल सही करें, पैप सही करें, सब कुछ सही हो जाता है। इन सब मसलों का क्या हाल है? इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए यहाँ पे चले जाने? जानता जी अल्लाह जानता है, या कि ना वो जानते, लीडर जानते, 5 साल पूरे करने के, 4 साल करने या 10 साल करने, सानू ऐसे कोई रीजन नहीं। आप किसकी सपोर्ट करते हैं? जी साडी दुकान तां जिसे दुकान ते बैठा सानू दुकान दा पता है, असीं दुकान सवेले आना 9 बजे ना, राती 7 बजे टुट जाना, 8 बजे टुट जाना, सानू होर किसी ना कोई नहीं, सानू है कि सानू हर चीज़ मिलनी चाहिए, रोज़गार अच्छा होना चाहिए, यह जी छुट्टी है एक होनी चाहिए, जुम्मे की छुट्टी करने हैं, हूँ कहते हैं हफ्ता तो आज छुट्टी करो, अभी किस हफ्ते 3 दिन काम करिए, आपे तो हिसाब लाओ, या तो जुम्मा हफ्ता चलो एक बन गई छुट्टी, अगर जुम्मा हफ्ते छुट्टी थी असं फॉलो किया, चलो जी ठीक है जुम्मे छुट्टी, हूँ एक बंदा क्या कि जी हफ्ता तो आज भी छुट्टी है, किस तरह काम तो कहना है कि ये कोरोना से बचने के लिए ये कहा जा रहा है, अल्लाह पे जानता है कोरोना से बचना या की बचना, अल्लाह पे जानता है, कुछ नहीं कह सकते, यह लीडर का काम है पुत्र और कंप्रोमाइज करता लीडर, मतलब आप इस हुकूमत से खुश नहीं? नहीं, सानू ऐसा कोई सरकार नहीं, असं कहने कुछ अच्छी तो अच्छी चीज़, कोई अच्छी तजवीज़ आन, अच्छे काम हो, असं कहना लेंदे तावन करने तैयार हर तरह, अच्छे सवेरे दुकान से आना शामी टुट जाना।
सानू ना पता नए बजट से कोई उम्मीदें हैं आपको क्या महंगाई में कमी हो जाएगी या फिर बढ़ती जाएगी क्या लगता है जी? कोशिश तो हमारी यही अल्लाह से यही है कि जी इस महंगाई में के दौर में जो है ना यह नया बजट जो है ना गरीबों के लिए हम जातों के लिए ताजरों के लिए ये बेहतरी के लिए हो और कुछ टैक्सेस वगैरह में छूट मिले तो यही उम्मीद हमने। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जी हो क्यों नहीं सकता जी, ये अब 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को पर इंशाल्लाह इनको चाहिए आपका आवाम के लिए भी सोचें, जो थे प्रोजेक्ट इनके वो तो कम्प्लीट होने वाले हैं, अब आवाम के लिए चाहिए इनको कि आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, यही उम्मीद है जी। अब हम जितना टाइम बचा इनके पास आपको लगता है ये अपने सारे वादे पूरे कर सकते हैं? जी ये अल्लाह पर भरोसा है, हुकूमत पर तो भरोसा हमें नहीं है इस चीज़ का, लेकिन है कि जिस तरह ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं लेकिन ये एंड नहीं कर सकते, ये इनको एंड नहीं कर सकेंगे, लेकिन अभी तक तो बातें ही हैं। जिस तरह गली मोहल्लों में हमने देखे हैं कि इन्होंने काम शुरू किए हैं, काम तो शुरू कर दिए इन्होंने लेकिन वो एक काम शुरू कर दिए हैं साथ में दूसरा जो है ना वो ख़राब किए जा रहे हैं। अब ये देखते हैं क्या सिलसिले बनते हैं इनके, जो नए प्रोजेक्ट इनके ये गली मोहल्लों में ये पानी सप्लाई के मैंने देखे हैं इनके, इवन के मेरे मोहल्ले में भी ये काम शुरू हुआ है कि पानी सप्लाई जी घर घर जी साफ़ पानी सप्लाई है, वो उनकी खुदाई शुरू हो चुकी है तो अब देखते हैं, लेकिन गली मोहल्ले वाले तंग पड़ गए हैं क्योंकि वो खुदाई का काम शुरू हो चुका है, एक महीना डेढ़ महीना से अब लोग जो है ना वो सफ़र कर रहे हैं, अब ये कहाँ तक सफ़र करेंगे, ये अब साथ में चाहिए इनको किस तरह से काम करें के साथ साथ काम खत्म करते जाएं, साथ साथ पीछे लोगों को रिलैक्स भी करवाते जाएं। नया बजट आने वाला कोई उम्मीदें हैं आपको इमरान खान से, क्या वाकई महंगाई में कमी हो जाएगी या फिर ऐसे? कोई उम्मीद नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं हो रहा, बहुत बहुत जालम बंदा, दुनिया ने मार देता उन्हें था, इन्ना झूठ टी वी अगे बोलते ने, सुन सुन दे रूह धर ने टी वी बंद कर। कौन झूठ बोलता है? पी टी आई वाले जिन्हें दी लीडर आते की चीज रियात होगी मैं दसो, ऐसा रोटी नहीं पूरी होंगी, दिल का मरीज हाँ मैं, शुगर का मरीज हाँ, हाँ मजदूरी करना पे, पैसे का गाहक नहीं इतने। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस मुल्क की बेहतरी कौन सोच सकता क्या लगता है? यार यालू सोचे ही कोई अच्छा काम करेगा, ऐसे सारे ना दलील आ गई, बहुत बेरा काम करता है, हूँ वही है जी चीनी 55 रुपये किलो देंगे और सपोर्ट करा दे अ। इमरान खान अगली दफा आ सकते हैं या नहीं क्या लगता है? ओ नहीं जी, बंदा ही नहीं लगना कोई, यार सब बाहर ना जाने ने, इमरान ने आपे बाहर ना जाना, नवाज शरीफ ने जेल कट ली है, कटनी थी नहीं। नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं क्या लगता? जरूर आएगा अल्लाह की मेहरबानी। तो फिर क्यों नहीं आया अभी? आ जाता हूँ मौत झेरनी, तुहानू पता कौन घूम चला, तुहानू नहीं पता, सारे नू पता भी जे कि सपोर्ट होंगी उन्होंने मर्जी से दुआ, जज ही नहीं हिल सकते। जितने वादे इमरान खान ने पूरे किए थे अभी उनके पास जो वक्त बचा आपको लगता है उसमें पूरे हो सकते हैं? कोई जी नहीं, उन्होंने आले दुआले सब चोर है, आपे दी चोरी है, जकात दा माल खान वाला है। नए बजट से कोई उम्मीदें हैं आपको, जो नया बजट आ रहा है आपको लगता है महंगाई में कमी हो जाएगी या फिर महंगाई बढ़ती जाएगी? महंगाई बढ़ेगी तो नहीं, इनसे तो कमी की उम्मीद ही कोई नहीं है, ये इनसे तो कभी भी नहीं कम, उम्मीद क्यों नहीं है, इतना उम्मीद क्यों? 3 साल हो चले इनको तो, तब तक तो हमें जो क्या कहते हैं सर हमें लारे पे रखा हुआ इन्होंने, तो इसलिए इनसे उम्मीद की कोई भी नहीं, कि उम्मीद ही नहीं है ऐसे कि किसी के लिए कोई रिलीफ मिलेगा हमें कोई। तो फिर क्या इसका हल क्या है, इन सारे मसाइल का क्या करना चाहिए? हल तो यही है कि मेरा ख्याल इनके बस की ये बात ही नहीं है हुकूमत चलाना या महंगाई को कंट्रोल करना, किसी और को मौका दें। किसको और किसको मौका मिलना चाहिए? ये इलेक्शन करवा दें किसी और के, जो जो भी जिसको वाम मुंतखब करेगी, क्योंकि वाम आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को करते हैं। आपको लगता है नून लीग मुल्क को बेहतर चला सकते? हाँ इनसे तो बेहतर ही चलाएगी, लेकिन इमरान खान कहते हैं वो करप्ट हैं। अगर वो करप्ट होते तो जो सारे जो जमनी इलेक्शन जीत रहे हैं, अगर वो करप्ट होते बात आवाम इनकी माने तो उनको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन सारे इलेक्शन तो वही जीत रहे हैं, इसका मतलब आवाम उनके साथ है। नया बजट आ रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं, आपको लगता है महंगाई में कमी हो जाएगी यहाँ पर? कमी नहीं होगी, ये आवाम महंगाई देखें जो भी है, इतनी गवर्नमेंट ने जो ना महंगाई की हुई है, तेल घ्यो आटा ठीक है सब कुछ महंगा हो गया, पाक ही लेते हैं रोजाना और ख़त्म हो जाता है, ये चोर डाकू हम पर मुसलत किए हुए हैं आवाम ने, ठीक है अल्लाह का अजाब है, ये चोर डाकू हैं सारे,
सब चोर डाकू हैं, इमरान खान भी, हुकूमत वाले भी, हम पागल हैं जो इनको वोट देते हैं। क्यों वोट देते हैं हम इनको? अपने अपने घर का चूल्हा खुद जलाए आप, ये क्यों वोट देंगे हम आपको? ये चोर डाकू हैं, हम नहीं वोट देंगे इनको। कोई वोट ना दे तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होता, मुल्क कैसे चलेगा? कुछ भी नहीं होता हुकूमत को, ठीक है। हुकूमत फिर भी वैसे रहेगी, अपने अपने जेबे भरते हैं, खजाने भरते हैं, गरीब आवाम गरीब हो ही जा रही है। या कुछ भी नहीं होगा इस मुल्क का। इतने तो प्याज आलू भी नहीं है हुकूमत में, पाकिस्तान में नहीं है जितने यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम किसी पार्टी को भी जो है ना सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब खाऊ हैं, सब चोर डाकू रले हुए हैं, मिक्स है, सारे कुछ मिक्स है। यह जैसे अचार मिक्स होता है ना नेशनल का, वैसे ये सारे मिक्स हुए हैं। इतने तो ये पाकिस्तान में आलू प्याज भी नहीं है जितने ये सियासत कर रहे हैं। ये सियासत कठी हुई है सारी, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान। इस मुल्क को कौन चला सकता है सही तरह? क्या लगता है? मुल्क को चला सकते हैं उलमा कराम, ठीक है, और कोई भी नहीं चला सकता। ये खाऊ भी हैं, अपनी अपनी जेबें भरेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे ये, ठीक है। आप मेरा पैगाम इमरान खान तक भी पहुँचाएँ, अवाम तक भी पहुँचाएँ, ये वोट किसी को ना दें, ये अपने अपने घर के देखें। वाम के जो है ना अपने कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग हमारे लिए, ये अपना जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम फिर भी वैसे के वैसे ही हैं, सारा दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। किसान भाइयों के लिए बिमिटको प्राइवेट लिमिटेड एग्रो सर्विसेज डस्का महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा कंपनी की मुनफरिद पेशकश, जदीद दौर के ऐन मुताबिक, जहां पर मिले आपको खेतों में काम करने वाली तमाम छोटी बड़ी जदीद तरीन मशीनें, जिनमें राइस ट्रांसप्लांटर राइडिंग टाइप, एक चक्कर में 8 लाइनें लगाने वाली 2ZG830D1, दूसरी एक चक्कर में 6 लाइनें लगाने वाली 2ZG630D1, जो फी एकड़ 80,000 पौधों की तादाद को पूरा करने की सलाहियत रखती हैं। इनको ऑपरेट करना इंतहाई आसान होता है और इनकी मेंटेनेंस कास्ट भी ना होने के बराबर आती है और तेल के अखराजात भी बिल्कुल मुनासिब। राइस ट्रांसप्लांटर वॉक आफ्टर टाइप, इसके भी दो मॉडल हैं, एक 4 लाइनें लगाने वाली 2ZS430S, दूसरी 6 लाइनें लगाने वाली 2ZS630S। धान की नर्सरी लगाने वाली मशीन 2BPZ2E, ये मशीन फी घंटा 400 ट्रे लगाती है। एक ट्रे में बीज की मिकदार 35 से 200 ग्राम हस्बे जरूरत लगाई जाती है, जबकि एक एकड़ में औसतन 100 ट्रे लगाए जाते हैं। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि धान की मशीनी काश्त के कितने फायदे हैं? लाभ की बरवक्त मुंतकली, मजदूरों की किल्लत पर काबू, वक्त की बचत, फी एकड़ पैदावार में इजाफा और जिंस के मायार में बेहतरी, पैदावारी लागत में कमी, मुंतकली के बाद पौधों की जल्द बढ़ोतरी का आगाज और लातादाद ऐसे फवायद जो किसान की खुशहाली में कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा बिमिटको एग्रो सर्विसेज डस्का में आपको मिले मिनी हार्वेस्टर, मिनी रूटावेटर, नर्सरी उगाने के लिए प्लास्टिक ट्रे, पावर स्प्रे मशीन इजाफी आलात के साथ प्लास्टिक फेरामोन ट्रैप और बहुत सी दूसरी जदीद मशीनरी। बिमिटको एग्रो सर्विसेज डस्का का किसान भाइयों के नाम पैगाम। इंजीनियर मोहम्मद तलहा असगर फराम, बिमिटको एग्रो सर्विस डस्का की तरफ से मेरे प्यारे किसान भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। हमारी कंपनी में जदीद मशीन यनमार कंपनी मेड इन जापान टेक्नोलॉजी की मशीनें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास हाई क्वालिफाइड स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ मौजूद है। मिलते जुलते नामों से धोखा मत खाएं, बराए मेहरबानी फरमाकर हमारे शोरूम का विजिट लाजमी करें। थैंक यू सो मच।